आज हम बात करने जा रहे हैं गांव करंगा के बारे में। करंगा गांव भिवानी जिले में स्थित है। करंगा गांव भिवानी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव करंगा को निकास धारा नगरी से बाबा मथुरा सिंह पंवार ने लगभग 750 वर्ष पूर्व आकर बसाया था। इनके वंशज बाबा सवाई के नाम से करंगा पाना सवाई रखा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार करंगा गांव की जनसंख्या 13,910 थी। उस समय करंगा गांव में 2,628 घर थे, जिनमें 7,404 पुरुष और 6,506 महिलाएं थी, और अब इस गांव की जनसंख्या 34,000 के करीब है। करंगा गांव भिवानी जिले में सबसे बड़े गांव में से एक गांव है। दीमाण खाप का भी यह बहुत बड़ा गांव है, जहां पंचायती फैसलों पर ही लोगों की सहमति होती है। ज्यादा से ज्यादा बड़े फैसले भी दीमाण खाप यहां की ऐतिहासिक चौपाल पर बैठकर ही लेती है। करंगा गांव को 3 पानों में बांटा गया, सवाई पाना, राजू पाना, अमरू पाना। तीनों पानों की अलग अलग पंचायत है। इस गांव में 3 सरकारी स्कूल, 1 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 पशु अस्पताल और 1 डाकघर है। यहाँ लाइब्रेरी भी है। गांव की साक्षरता दर 73% है, पुरुष साक्षरता दर 81% है, जबकि महिला साक्षरता दर 64% है। करंगा गांव स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की जन्मभूमि है। यह गांव हरियाणवी लोक गायक कंवर पाल की भी जन्मभूमि है। करंगा गांव में 25 मई 2007 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दौरा किया और उन्होंने अपने हाथों से हर्बल पार्क में त्रिवेणी लगाई, जिनके नाम का पत्थर आज भी वहां पर लगा हुआ है। करंगा गांव को केंद्र सरकार ने आदर्श गांव घोषित किया था। करंगा गांव में अनेक खिलाड़ियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेलों में हिस्सा लिया और अनेक जगह जाकर विजय प्राप्त की। उन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी हैं पवन पुत्र श्री राम किशोर, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता, सतीश कुमार पुत्र श्री रोहतास सिंह। करंगा गांव में कई महान दानवीरों ने भी जन्म लिया। उन महान दानवीरों में से कुछ दानवीरों के नाम हैं ठाकुर श्री नसीब सिंह, जो 1965 से 1966 तक एमएलसी रहे, और ठाकुर श्री नसीब सिंह जो 1966 से 1967 तक एमएलए बने रहे। करंगा गांव में कई महान सूरवीर और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जन्म लिया। उनमें से कुछ सूरवीरों के नाम हैं पंडित श्री नेकीराम शर्मा, श्री मेनपाल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, श्री रतिराम लंग्यान, ठाकुर रघुबीर सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह। प्रथम विश्व युद्ध में करंगा गांव के 129 वीर योद्धाओं ने भाग लिया। करंगा गांव में लगभग 36 बिरादरी के लोग आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। आइए इस वीडियो में देखते हैं करंगा गांव की एक झलक। Thank you.
उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हरियाणा से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे